Thank you. The next speaker, Shri Prakash Javadekar. Sir, you have 20 minutes, sir. उपसभापति महोदय, मुझे अभी जो हमारे बहुत अनुभवी साथी है, उन्होंने मूलतः वर्कर्स यूनियंस और ऑर्गेनाइज लेबर के बारे में मूलतः बोला, लेकिन हर देश में जॉब्स की चर्चा होती है और इसमें अपने देश का जॉब प्रोफाइल भी देखने की जरूरत है। मैं जॉब की व्याख्या ऐसी करता हूं, परिभाषा, कि मेहनत करके स्वाभिमान से जीने का नाम है जॉब्स। और मेहनत अपने देश की प्रोफाइल है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के 55% लोग जो काम करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उनकी 55% लोगों की सैलरीड क्लास 23% है और कैजुअल लेबर्स 22% है। तो ये जॉब प्रोफाइल जब हम देखते हैं तो ये सबका प्रॉब्लम है, केवल ऑर्गेनाइज लेबर का नहीं। मैं भी बैंक में काम करता था, हम भी यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन हम ऐसे यूनियन का हिस्सा थे जिनका नारा था कि देश के लिए करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम, ये नारा था और वो न्याय मिलना चाहिए। मुझे लगता है लेबर कोड का जो प्रारंभ हुआ और चार कोड में करने की सबकी मांग थी कि चार कोड में सारे 40 कानून अब चार कोड में आ रहे हैं और उसमें वेज सिक्योरिटी आ गई, सोशल सिक्योरिटी की शुरुआत हो गई और समय पे वेतन मिलेगा, खाते में जाएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण काम हुए। उनको यूनिक पीएफ नंबर मिल रहा है जिससे कहीं भी जॉब बदला तो भी उनका होगा। लेकिन आज मैं लेबर कोड पे बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि वो स्टैंडिंग कमिटी में भी है, बहुत सारा विचार हुआ है और फाइनल अभी दो कोड पास होना बाकी है, तो वो हम बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर जॉब का फिलॉसफी क्या है, कि हर हाथ को काम और हर हाथ को काम मिले इसके लिए एम्पावरिंग पुअर अंत्योदय जो सबसे लास्ट खड़ा है उसको कैसे जॉब मिलेगा, उसको जीवन का कैसे साधन मिलेगा। हमारे यहां सबसे कमी ये थी कि अभी इकोनॉमिक सर्वे एक डाटा देता है, एक NSSO होता है उनका सर्वे के आधारित डाटा होता है, एक लेबर ब्यूरो का डाटा आता है, लेकिन इसेंशियली ऑल दिस डाटा कम फ्रॉम सर्वेस। सर्वे 100% लोगों का नहीं होता, सर्वे कम लोगों का होता है, उससे अनुमान किया जाता है कि रोजगार कितना है, बेरोजगारी कितनी है। लेकिन अभी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में और लेबर मिनिस्ट्री का कि ई श्रम पोर्टल उन्होंने तैयार किया। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ साइंटिफिक मैपिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग डन एंड 6 महीने में 26 करोड़ लोगों ने खुद रजिस्टर किया है कि मैं क्या काम करता हूं और 400 प्रकार के ऑक्यूपेशन है, तो मैं कौन सा ऑक्यूपेशन कर रहा हूं, मेरा इनकम क्या है, इस सब की जानकारी लोगों ने खुद होकर रजिस्टर की है। मेरा जितना अध्ययन है ये और भी 50% ही काम हुआ है ऐसा मैं मानता हूं आने वाले 6 महीने में, क्योंकि 55% अगर हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो 27 करोड़ हुए हैं, वो लगभग 50 करोड़ तक जाएंगे और ये काम जैसे पूरा होगा, वी कैन प्लान बेटर, वी कैन प्लान स्पेसिफिक एंड वी कैन रियली टेलर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स ऑल्सो इन दैट डिरेक्शन, सो दैट हिम्मत से काम करें। एग्रीकल्चर है, समझो एग्रीकल्चर में सब लोग मेहनत से
काम करते हैं उनको किसी ने अपॉइंट नहीं किया होता है, वो खुद की जमीन या दूसरे की जमीन जो भी मेहनत से करते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये सब बातें हमें समझना चाहिए। दूसरा है कि जॉब का बड़ा काम क्या है, मुद्दा क्या है कि एक विचित्र स्थिति है बाजार में कि अनेक जॉब्स ऐसे हैं जिसके लिए आदमी नहीं मिलते और अनेक लोग ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता। तो ये स्किल का मिसमैच ये एक बड़ी समस्या होती है और स्किल का मिसमैच अगर ठीक करना है तो बहुत दिनों से देश में चर्चा हुई एजुकेशन का मूल उद्देश्य रोजगार देना नहीं होता है, एजुकेशन का इट्स इमेंसिपेशन, एजुकेशन इज एम्पावरमेंट, एजुकेशन आपको अच्छा आदमी तैयार करना ये उसका उद्देश्य होता है और एक अच्छा काम उसकी काबिलियत बढ़े ये होता है, जनरल काबिलियत बढ़े। लेकिन स्पेसिफिक जो कोर्सेज होते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई आर्किटेक्चर और बाकी उसमें वो फिर स्पेसिफिक स्किल्स मिलते हैं। तो मुद्दा है स्किल्स का और इसलिए सरकार ने स्किल का मंत्रालय अलग से शुरू किया, वही एक नींव रखी गई कि स्किल पर ज़्यादा भर होगा। और मुझे खुशी है कि पिछले 5 साल 7 साल में 5 करोड़ युवाओं को स्किल का ट्रेनिंग मिला है, कभी 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का। ITIs की संख्या 2 गुना बढ़ी है, 3 गुना बढ़ी है। ITI और IITs की भी संख्या बढ़ी, बाकी भी संख्या बढ़ी, वो स्किल्स देने वाले विषय पढ़ा रहे हैं और स्किल के बाकी भी उद्योगों के साथ स्किल मिशन में काम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए स्पेसिफिक स्किल सेट्स की बात है। और अभी एक नया मुद्दा है जो मैं सदन के विचार के लिए रखता हूँ, टेक्नोलॉजी जबरदस्त गति से बदल रही है, हर काम का रूप बदल रहा है। हम पहले क्वेश्चंस देने के लिए लिखकर जाते थे, अब हम सीधा अपलोड कर रहे हैं। हम हर चीज में दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रहा रही है। तो रीस्किलिंग और अपस्किलिंग ये दोनों बहुत जरूरत है, हर एक को नया नया सीखना ही पड़ेगा और नया सीखकर रेलेवेंट रहना पड़ेगा। और इसलिए हम देख रहे हैं कि 10 साल काम करने के बाद लोग स्किलिंग के लिए जा रहे हैं, अपस्किलिंग कर रहे हैं, रीस्किलिंग कर रहे हैं। हमें भी राजनीति में भी नया स्किल सीखना ही पड़ता है, नहीं तो पीछे पड़ जाते लोग, ये समझने की जरूरत है। एक मिनट, मैं ये मानता हूं कि ग्रोथ क्रिएट जॉब्स, ग्रोथ नहीं है तो जॉब्स नहीं तैयार होते और इसलिए ग्रोथ को जॉब्स तैयार करने का अगर मुख्य माना तो इस सरकार ने जो विजन रखी कि नॉट ओनली $5 trillion इकोनॉमी बट मोर इंपॉर्टेंटली ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ। और ग्रोथ का लक्ष्य है कि गरीब को ज्यादा एम्पावर करे और उसमें से जॉब्स तैयार करे। गतिशक्ति प्लान है, 100 लाख करोड़ की स्कीम बनाई है, रोड, रेल, एयरपोर्ट, वाटरवेज, मास ट्रांसपोर्ट्स, और सब में पिछले 7 साल में जितने गति से काम हुआ केवल सड़क निर्माण के काम से, यानी सड़कों से जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जॉब्स बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रो होती है, वो तो अलग, केवल सड़क निर्माण करने में 145 करोड़ मैन डेज का जॉब तैयार हुआ, यह हमें समझना चाहिए। तो ये आज हो रहा है, जैसे आज हर घर में बिजली है, देश में 24 घंटे बिजली है, ये नहीं था पहले। और अगर आज ये आया है तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन के सुधार से लेकर सब में बदलाव हुआ है और 3.5-4 करोड़ घरों को अगर पहली दफा बिजली मिल रही है तो ये भी एक रोजगार
तैयार करने के साधन है. सो इट इज ग्रोथ विच क्रिएट्स जॉब्स. दूसरा है, 3 करोड़ घर अगर हुए हैं तो रोजगार होता है ना भाई. कोई तो घर बनाएगा, कोई तो ईंटें बनाएगा, कोई तो बाकी सामान बनाएगा, तो रोजगार तैयार होता है. आज 5.5 करोड़ लोगों के घर में नल से जल गया है, नल पहुंचा है, तो अरे भाई स्टील इंडस्ट्री बढ़ती है ना, मांग बढ़ती है, वो काम करने वाले बढ़ते हैं, सब काम नया सीखते हैं लोग. और ये काम भी जॉब्स है, ये हमें उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए. एग्रीकल्चर में 70 लाख एक हेक्टर का इरिगेशन बढ़ा है. हमें पहले इकोनॉमिक्स में सिखाया गया कि एक एग्रीकल्चर फार्म अगर एक हेक्टर इरिगेट होता है तो 1.5 जॉब्स तैयार होते हैं. तो 1 करोड़ जॉब्स तो यही तैयार हुए. लेकिन मैं नया रूप देख रहा हूं, मनरेगा का सबसे ज्यादा उपयोग अब पानी के लिए कर रहे हैं. और लोगों ने एक एक एकड़ के अपने फार्म में बड़े बड़े तालाब तैयार किए हैं, उसके लिए सरकार पैसा दे रही है. तो ये नया जल, ये नया इरिगेशन पोटेंशियल है, दैट ऑल्सो क्रिएट जॉब्स. टूरिज्म है, टूरिज्म की एक विशेष दृष्टि. पिछले 2 साल का मैं उल्लेख नहीं करूंगा बिकॉज पैंडेमिक पीरियड वॉज बैड फॉर ऑल द वर्ल्ड और सभी देशों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है. तो वो 2 साल, लेकिन वी आर बैक. तो 2 साल छोड़े 14 से 19 तक कहां पहुंचे और अब फिर से 22 से आगे कहां पहुंचेंगे, ये मुद्दा देखने लायक है. फिर रेल में, इतनी परसों रेल की चर्चा हुई इसलिए मैं फिर नहीं बोलता हूं, लेकिन रेल का जिस गति से विस्तार हो रहा है, डबलिंग हो रहा है, बाकी सारी सुविधाएं आ रही है, वो रोजगार ही पैदा करती है ना. बिना रोजगार का रेल नहीं चलता. पोर्ट में, इतने पोर्ट अगर बना रहे और भारतमाला बना, सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें जॉब्स ही तैयार होंगे ना. एयरपोर्ट, अगर पहले 70 साल में देश में केवल 100 के आसपास एयरपोर्ट थे और पिछले 7 साल में अगर इतने 50-60 से ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं, तो वो भी तो एक नई पूरी जॉब चेन तैयार करता है. यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए. मास ट्रांसपोर्ट है, मुद्रा का 34 करोड़ लोगों को मुद्रा दिया. मैं भी बैंक में था और हम कर्जा देते थे. मैं भी सिख इंडस्ट्रीज का अध्ययन करता था, एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोग्राम का ही काम मैं देखता था. और इसमें मैंने ये अनुभव किया है कि अगर ऐसे 1 करोड़ या अभी 34 करोड़ दिए हैं, तो उसमें आधे लोग होते हैं कि जिनका पहले से छोटा ठेला है वो बड़ा करते हैं, छोटा दुकान है थोड़ा बड़ा करते हैं, ये होता है. तो उसमें ज़्यादा जॉब नहीं तैयार होता. लेकिन 34 करोड़ में लगभग 10 करोड़ नए जॉब्स तैयार होते हैं, यह हमें समझना चाहिए. ये स्थापित गणित है और ये कर रहे. आज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वो तो कोई दूसरा नहीं कर सकता. इट इज नॉट जस्ट फॉर्मलाइजेशन, इट इज हर महीने 15 लाख. पिछले 3 महीने में हर महीने 15 लाख नए कॉन्ट्रीब्यूटर और नए रजिस्ट्रेशन हुआ है. तो ये बहुत बड़ी संख्या है, हमें समझना चाहिए. एमएसएमई अपने देश में सबसे ज्यादा जॉब दे रही है. और इस पैंडेमिक के दरमियान जो गारंटी लिंक स्कीम जो तैयार की थी, उसके कारण 1.5 करोड़ जॉब्स बच गए हैं, ये भी समझना चाहिए. एक पूरा नया विश्व खुला है डिजिटल. 4 लाख से ज्यादा, पहले 8 लाख एसटीडी बूथ होते थे, आज 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हो गए हैं. वहां 15 लाख लोग काम कर रहे हैं. सारे लोग वहां जाकर अपने डिजिटल काम पूरे करते हैं, ये हम देख रहे हैं. नए, कल एक यूट्यूब की एडवर्टीजमेंट आपने देखी होगी कि केवल YouTube आने के कारण, उसके कारण जितने नए जर्नलिज्म, कुमार केतकर जी को पता होगा, लेकिन जितने लोगों ने अपने अपने वीडियो चैनल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, बाकी सब में, एजुकेशन में इतने पोर्टल शुरू किए, वो भी चल रहे हैं, उनको भी पैसा मिलने लगा है. तो ये नए जॉब अपॉर्चुनिटीज डिजिटल इकोनॉमी से होती है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए. अच्छा, मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि लोग कहते हैं केंद्र में
हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, और अपने राज्य में जाकर जॉन ब्रिटस केरल क्या बताएगा कि कितने जॉब्स हमने तैयार किए पिछले 5 साल, पिनारी वहाँ चीफ मिनिस्टर है, कितने जॉब्स तैयार किए। तो सभी राज्यों का, अरे तो करे मारे देश का ही हुआ ना रोजगार, वो रोजगार देश का ही होता है, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन मैं केंद्र सरकार का भी बताऊंगा, केंद्र सरकार का बताना आपको जरूरी है, और इसलिए जैसे पीएलआई स्कीम आई, 10 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को हम पीएलआई स्कीम दे रहे हैं, और उस स्कीम से 60 लाख जॉब्स तैयार हो रहे हैं बहुत फास्ट गति से, ऑटोमोबाइल से सब जगह ये आज काम हो रहा है। गति शक्ति से 2-3 करोड़ से ज्यादा जॉब प्रत्यक्ष शुरू भी हो गए, और बाकी भी आगे बहुत बढ़ेगा। मनरेगा का मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रोजगार का गारंटी स्कीम 14 में उसका प्रोविजन 39,000 करोड़ केवल खर्चा हुआ था, अभी मनरेगा का खर्चा 1.5-2 लाख करोड़ तक गया है, ये एक बड़ा काम हुआ। और उससे 7 साल में 2,000 करोड़ मैंडेट, 2,000 करोड़ मैंडेट, ये इतने तैयार हुए। ये नो, आई एम डूइंग इट करेक्ट, लेट हिम सी, मेक इन इंडिया ऐसा था, आज 60,000 सर स्टार्टअप तैयार हुए, 60,000 स्टार्टअप तैयार हुए, yielding. वो भी जॉब्स है। एक मिनट, ही इज नॉट यील्डिंग सर, 4 मिनट है, बाद में जी, इज नॉट यील्डिंग, तो प्लीज बाद में बताऊंगा। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसमें भी जॉब्स मिल रहे। तो सबसे पिछले 4 साल में आईटी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी क्षेत्रों में 150% का ग्रोथ रजिस्टर किया है जॉब्स में, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और किसका, प्लीज प्रधानमंत्री का तो बेटा जी, प्लीज प्लीज ना, अलो हिम टू स्पीक, ये लेने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देश समझता है कि ये मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए ये होता है। क्या किया दूसरा, बैठे प्लीज, सबसे बड़ा, प्लीज लेट हिम कंप्लीट, कितने मैं अभी 3-4 मिनट ही है, तो मैं एक कहूंगा कि हम मानते हैं कि सबको जॉब्स मिलने के चाहिए, इसलिए स्किल्स भी चाहिए। इसलिए मैं जब शिक्षा विभाग देख रहा था, तो हमने कल्पना की है, और मुझे लगता है अब आगे जाएगी BA+, BCom+, BSc+, क्या है ये, तो ये उनको सॉफ्ट स्किल भी डिग्री कोर्स के साथ साथ पढ़ाएंगे, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर IT स्किल से लेकर सब पढ़ाएंगे, तो वो ज़्यादा एम्प्लॉयबल होते हैं। हम हमेशा एक तकरार शिकायत करते हैं कि इतने से जॉब होते हैं और इतने एप्लीकेशन आते हैं। देखो, दिस इज एस्पिरेशनल एस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हर एक को ऊपर जाना है उसके लिए। Concluding, वो करते हैं। लास्ट में 2 मिनट सर, यस, वो इतना ही है कि लेकिन कुछ लोग मात्र बेरोजगार हुए हैं, ये मुझे मंजूर है, कुछ लोगों की बेरोजगारी बढ़ी है, और बेरोजगारी बढ़ी है जो DBT से काम शुरू हुआ पिछले 4 साल में 21 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में गए, वो जो राजीव गांधी कहते थे कि भाई मैं 100 रुपए भेजता हूं 15 रुपए पहुंचते हैं, अब मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 मिलते हैं, उससे 4 लाख करोड़ रुपया, उससे 4 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई, उनका रोजगार गया है, उनका रोजगार गया है। Yes. जो बोगस पेंशन लेते थे उनका रोजगार गया है, बोगस स्कॉलरशिप लेते थे उनका रोजगार गया है, शनमुगम जी, बोगस गैस सब्सिडी लेते थे उनका गया है, नीम कोटिंग सर, नीम कोटिंग होने से जो यूरिया किसान को सस्ते में मिलता था उसको केमिकल फैक्ट्री का रॉ मटेरियल करके जो चोरी करके भेजते थे, उनका रोजगार खत्म हुआ है। हर सौदे में, रक्षा सौदे में जो दलाली करते थे उनका रोजगार खत्म हुआ है। आज गवर्नमेंट के एक GEM करके आया है,
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और उसमें सारी गवर्नमेंट की खरीद पारदर्शी तरीके से शुरू हुई, तो ये दलाल और जो बीच में गरीबों को नोचने वाले थे, लूटने वाले थे, उनका रोजगार कम हो गया है। देश उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू जावड़ेकर जी, थैंक यू वेरी मच।